Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you the topic parts of the cells. And in this topic, I am going to discuss with you one by one all the parts of the cells which you should know about plants as well as animals. So let's start. Firstly, in this video, I am going to talk about the cell membrane. Okay. The basic components of a cell are cell membrane, cytoplasm and nucleus. अगर हम एक basic मोटा मोटी देखें जैसे कि broad way में तो cell के अंदर तो ऐसे बहुत सारे components होते हैं, ठीक है, लेकिन जो main components हैं वो क्या है, cell membrane है, cytoplasm है और nucleus है. तो one by one हम इन तीनों को ही discuss करेंगे. The cytoplasm and the nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. तो जो nucleus हैं और जो cytoplasm हैं, ये दोनों cell membrane के अंदर रहते हैं, ठीक है. जैसे कि ये pen है, इसके जो किनारे हैं वो इसके cell membrane है, ठीक है, और ये जो blue color है ये इसका cytoplasm है और इसके अंदर nucleus embedded रहता है, ठीक है. तो इस तरह का कुछ सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं सेल का, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है और न्यूक्लियस कहाँ पे है, फाइन. सो और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसी को हम साइंटिफिक टर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, फाइन. द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड ऑल्सो द सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती हैं एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती हैं और सराउंडिंग से भी सेल को अलग करती हैं, है ना, एक कंटेनमेंट, इसीलिए इसका नाम ही सेल है. सेल मतलब एक जो डब्बा, एक खाना, इस तरीके से. तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस. तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, मतलब सेमी परमिएबल इसको कहते हैं हम, एक वर्ड है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से सेल के अंदर जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें सेल के अंदर से बाहर आती हैं, लेकिन सेमी परमिएबल है. ये सेमी परमिएबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हर चीज़ को नहीं अलाउ करती है, ठीक है. तो हमें भी सेल मेम्ब्रेन जैसा बनना है, हमें भी सेमी परमिएबल बनना है कि सारी चीज़ें जो भी हमारे इन्वायरमेंट में हो रही हैं हमें सब कुछ नहीं जान जाना है, सब कुछ नहीं करना है, ठीक है. और जो है बिल्कुल सेलेक्टिवली परमिएबल बनना है, तो इसी को हम कहते हैं सेलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल. तो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ों को अलाउ करती हैं और बहुत सारी चीज़ों को नहीं अलाउ करती हैं. सो मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. अब हम देखते हैं एक एक्टिविटी, एक्टिविटी 8.3. इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल्स टेक एन अनियन बल्ब. तो एक अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जाएं कि सेल एग्जैक्टली दिखती कैसी है, तो हमें क्या करना है, एक अनियन ले लेना है, ठीक है. ऊपर जो उसके रूखा सूखा रहता है ना उसको हटा देना है. तो जब आप अनियन की जो फ्लैशी वाली जो जब कवरिंग्स आ जाएगी तो उसके ऊपर से एक पतली सी पत्ती पत्ती जो कवरिंग्स रहती हैं उसको आप निकालने की कोशिश करिए फोर्सेप्स से, और उसको निकाल के उसका एक बहुत छोटा सा टुकड़ा स्लाइड पे रख के उसको जो है मिथाइलिन ब्लू से जो है आप कवर कर दीजिए और फिर जो है उसको माइक्रोस्कोप से देखिए. तो आप क्या देखेंगे उसमें जो है, जब आप देखेंगे उसको कवर स्लिप में, तो इस तरह की सेल्स आपको दिखेंगी, अनियन की सेल्स. तो इस सेल के अंदर आप देख सकते हैं जो राउंड सा है वो न्यूक्लियस है और राउंड के बगल में जो है वो है साइटोप्लाज्म, और जो आपको ब्लैक ब्लैक कलर की आउटलाइंस दिख रही है ना, इसी को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल. तो क्योंकि अनियन प्लांट है एक, है ना, तो प्लांट्स में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग होती है जिसको कि हम कहते हैं सेल वॉल, ठीक है. सेल वॉल जो है वो केवल प्लांट्स का फीचर है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं रहती है, फाइन. द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. तो जो सेंटर में डेंस राउंड बॉडी है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस. और द जेली लाइक सब्सटेंस, तो ये जो न्यूक्लियस के अगल बगल आप देख सकते हैं जेली लाइक सब्सटेंस, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म. तो ये है साइटोप्लाज्म. अब बूझो क्या कहता है,
आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट्स नीड सेल वॉल। तो बूजो का ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है कि बूजो जानना चाहता है कि वाई द प्लांट्स नीड सेल वॉल। एनिमल्स में तो सेल वॉल होती नहीं है, लेकिन प्लांट्स को ही क्यों जरूरत पड़ी है सेल वॉल की, क्या जरूरत है प्लांट को सेल वॉल की। सो यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही सेल का जो भी शेप होता है वो सेल मेम्ब्रेन की वजह से होता है, ठीक है। सो इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अनदर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड द सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट्स में सेल वॉल भी होती है, जो कि सेल वॉल जो है सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो ये जो लेयर है सेल वॉल की, ये प्रोटेक्शन के लिए होती है बेसिकली, क्योंकि प्लांट्स हमेशा बाहर ही रहते हैं, उनमें मूवमेंट की कैपेसिटी नहीं रहती है, उनको बहुत सारे हार्श इन्वायरमेंट्स को फेस करना पड़ता है। तो दैट्स वाई दे हैव एन अडेप्टेशन टू प्रोटेक्ट देम सेल्स बाय अ एक्स्ट्रा कवरिंग ऑफ सेल वॉल। सो इन प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एट्सेट्रा। तो इन सब वजहों से प्लांट्स में ये एक एडेप्टेशन है सेल वॉल की, कि उनको सेल वॉल की वजह से काफ़ी प्रोटेक्शन मिलती है, सेल्स को नुकसान ना पहुंचने पाए। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। तो क्योंकि प्लांट्स मूव नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ये सेल वॉल जो है उनके एक्स्ट्रा कवरिंग होती है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रांसडेंशिया, इलोडिया एंड रोया। तो इन प्लांट्स के अंदर भी आप सेल जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। तो अगर आप इसकी फोटो ही देख लें, क्योंकि अभी तो मेरे पास माइक्रोस्कोप है नहीं और स्कूल भी नहीं चल रहा है, तो आप एक विजुअल जो है देख सकते हैं कि इस तरह की जो है लीव्स जो है दिखती हैं, सेल्स जो लीव्स की हैं माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम देखें तो इस तरह की दिखती हैं। फाइन, सो यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन केस ऑफ अनियन। तो इसी तरीके की स्लाइड, क्योंकि ये सेल्स खुली आंखों से नहीं दिखेंगी, ये हमेशा माइक्रोस्कोप के अंदर ही दिखेंगी। पहेली आस्क पूजो इफ ही कैन ऑल्सो ऑब्जर्व एनिमल सेल्स। तो पहेली कहती है कि क्या हम इसी तरीके से एनिमल सेल्स को भी देख सकते हैं, जैसे हमने प्लांट सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वैसे ही क्या हम एनिमल सेल्स को भी देख सकते हैं। तो यस वी कैन। इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटी नंबर 8.4। तो हमें करना क्या है, टेक अ क्लीन टूथपिक, एक साफ टूथपिक ले लेने हैं, या फिर एक माचिस का टुकड़ा, जो कि ऊपर की तीली जो है उसको आप तोड़ देंगे माचिस के टुकड़े की, तो ऐसे तीली अंदर नहीं डालना है, तो उस माचिस के टुकड़े से आपको अपनी चीक के अंदर, गाल के अंदर यहाँ से कुछ थोड़ी सी स्क्रैपिंग करनी है। तो जब आप स्क्रैप करेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो सेल्स आ जाती हैं, क्योंकि सेल्स बहुत माइन्यूट होती हैं, है ना। तो उन सेल्स को लेके आप जब स्लाइड पे रखेंगे, एक ड्रॉप ऑफ वाटर आप वहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। प्लेस इट इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास स्लाइड। तो ग्लास स्लाइड लेके उसके ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर रख के फिर टूथपिक का वो स्क्रैपिंग निकाल के उस ड्रॉप ऑफ वाटर में ऐसे रख दीजिए और उसको थोड़ा सा ऐसे हिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एड अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन एंड प्लेस अ कवर स्लिप ओवर इट, ठीक है। उसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन रख दीजिए, ठीक है, उससे स्टेबलाइज हो जाएगा, और आप उसके ऊपर एक कवर स्लिप रख दीजिए ताकि वो स्टेबल रहे और उसको आप माइक्रोस्कोप में देख लीजिए, ठीक है। या फिर आयोडीन नहीं है तो क्या कर सकते हो आप, एक या दो ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन से क्या होगा, जो सेल्स हैं उसकी न्यूक्लियस जो है वो भी कलर्ड हो जाएंगी, ब्लू कलर की हो जाएंगी, ठीक है। जो भी डेंस रीजन्स हैं सेल में वो ब्लू कलर का कलर ले लेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। यू मे नोटिस सेवरल सेल्स इन द स्क्रैप मटेरियल। तो स्क्रैप मटेरियल बहुत सारी सेल्स दिख जाएंगी, एक सेल्स नहीं, ऐसा तो देखने में लगेगा कि एक ही दो सेल आएंगी, लेकिन इतने छोटे से रीजन में बहुत सारी सेल्स होती हैं जो कि हमें अनएडेड आइज में नहीं दिखती हैं। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल मेम्ब्रेन, द साइटोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस, अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो इसमें आप जो है सेल वॉल, तो इसमें आप जो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक फिगर में दिखाया गया है एनिमल सेल को, ह्यूमन चीक सेल्स को, इसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियस है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म है लाइट ब्लू कलर का, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को सराउंड करती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और जो
बाकी सेल्स की आउटर कवरिंग है जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो बेसिकली आपको तीनों चीज़ें दिख रही हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की कवरिंग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म क्या है। इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो ये एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, दूसरी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं जैसे कि हमारी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स और बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि इसी साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होती है। बट सबसे बड़ी ऑर्गेनेली क्या है? वो है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस रहती है। और इन सारे ऑर्गन्स के बारे में है जो हम डिटेल में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आप बेसिकली साइटोप्लाज्म के बारे में जानते रहिए कि वो एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेलीज रहती हैं जिसमें कि न्यूक्लियस इज़ वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। और अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, न्यूक्लियस करता क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फाइन, इट इज़ द जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। तो ये जनरली स्फेरिकल शेप का होता है और सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है जनरली। ठीक है, इट कैन बी स्टेन एंड सीन इजिली विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो इसको स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा जा सकता है। सेल, जब हम सेल को स्टेन करते हैं, सेल को देखते हैं, तो उसी में हमको न्यूक्लियस भी दिखता है। फाइन, सो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस भी जो है साइटोप्लाज्म से अलग रहता है एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो वो जो मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है या न्यूक्लियस के आउटर में रहती है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे एक सेल मेम्ब्रेन एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती है, वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। ठीक है, न्यूक्लियस, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज मूवमेंट्स ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, ये भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ कंपोनेंट्स को अंदर जाने देती है और कुछ कंपोनेंट्स को रोक देती है, कुछ कंपोनेंट्स को बाहर आने देती है और कुछ कंपोनेंट्स को बाहर नहीं आने देती है। तो ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियोलस। और अगर हम बहुत हाई रेजोल्यूशन का माइक्रोस्कोप यूज़ करें तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा, मतलब जैसे एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी बॉडी है जिसको कि हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेल, नॉर्मल माइक्रोस्कोप्स में नहीं दिखेगा, ये आपको किस में दिखेगा? ये आपको हाई रेजोल्यूशन के माइक्रोस्कोप में दिखेगा। इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे जैसे होते हैं। ठीक है, दे कैरी जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारी जीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये हिस्सा ये जीन कैरी करता है, ये हिस्सा, ये जीन, ये जीन, ये जीन, बहुत सारी जीन्स होती हैं। जीन्स मतलब डीएनए का सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो कुछ डीएनए के सीक्वेंस, हमारी नाक कैसी होगी, हमारी आँख कैसी होगी, हमारा मुँह कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी, ये सारे कैरेक्टर्स है ना, तो ये जीन्स के ऊपर ये सारे कैरेक्टर्स लोकेटेड रहते हैं। इस जीन का जो सीक्वेंस है, ये जो जीन है, इसके अंदर डीएनए का सीक्वेंस है, ये हमारी जीन्स बनाती हैं। ठीक है, और यही जो जीन्स है एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में इनहेरिट होती है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग मतलब बच्चे। ठीक है, जैसे कोई पेरेंट है मतलब जिसका कि बच्चा है, ऑफ स्प्रिंग मतलब जो चाइल्ड बॉर्न होता है उसको हम ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल्स डिवाइड। तो क्रोमोसोम्स ऐसे जनरली हमको माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं दिखेंगे, वो हमको तभी दिखते हैं जब जो सेल जो है डिवीजन फेस में आता है। फाइन, छोटा सा अब हम देख लेते हैं कि जीन क्या होता है। ठीक है,
जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब एक एक जीन, हर एक जीन हर कैरेक्टर के लिए, आँख नाक मुंह कान बाल हाइट, हर कैरेक्टर के लिए हमारे पास एक जीन होती है। और जीन कहाँ लोकेटेड होती है? क्रोमोसोम के ऊपर। तो जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एक एक जीन एक जो है हमारे इनहेरिटेंस को डिटरमाइन करती है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो हेरिडिटरी कैरेक्टर, जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं ना, ये जीन्स की वजह से ही होते हैं, जीन के ट्रांसफर की वजह से ही ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो दिस मीन्स डैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू यू। तो जैसे कि पेरेंट्स हमें अपने कैरेक्टर्स देते ही हैं, है ना। सो इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आइज। तो इसी वजह से हमने कई बार देखा होगा ना कि बहुत सारे फीचर्स हमारे हमारे मदर या हमारे फादर से मिलते रहते हैं, या इन बिटवीन होते हैं दोनों के, है ना। तो या हमारा कलर, ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं जीन्स के ट्रांसफर की वजह से होता है। इफ़ योर मदर हैज़ कर्ली हेयर, यू माइट ऑल्सो एंड अप हैविंग कर्ली हेयर्स। अगर तो जैसे कर्ली हेयर है किसी के फैमिली में, या आप ऐसे भी देखते होंगे कि मदर के भी कर्ली हेयर नहीं, फादर के भी कर्ली हेयर नहीं, बच्चे के कर्ली हेयर्स हैं, ऐसा क्यों? सो होता है ना कि कई बार एक कैरेक्टर को दो से तीन जीन डिटरमाइन करती हैं। तो कुछ कैरेक्टर्स इधर से आए, कुछ कैरेक्टर्स फादर से आए, कुछ कैरेक्टर्स मदर से आए, तो दोनों का जो मिक्स होता है वो अलग इफेक्ट पैदा करता है। तो ये भी हो सकता है रीज़न, है ना। हाउ एवर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स रिजल्ट इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही बात है ना कि जैसे कोई पेरेंट का कलर बहुत फेयर है, किसी का और एक फादर का कलर बहुत डार्क है, तो बच्चे का कलर बहुत फेयर भी हो सकता है, बहुत डार्क भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार कैरेक्टर्स एक ही कैरेक्टर को दो तीन जीन भी डिटरमाइन करती हैं, इसी वजह से कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो है वो भी काफ़ी मैटर करती है। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो अब हम देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में फिर से कि न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस जो है कंट्रोल सेंटर तो है ही, ठीक है। तो क्योंकि वो बॉडी के अंदर जो है पूरे सेल्स में क्या फंक्शन होगा, कब कौन से हॉर्मोन्स निकलेंगे, कब क्या होगा, वो पूरा सेल को कंट्रोल करता है एक तरीके से। जो सेल है उसका ब्रेन है न्यूक्लियस, वही कमांड देता है कि सेल को अब क्या करना है, ठीक है, खाना इंटेक करना है, खाना लेना है, खाना नहीं लेना है, किस चीज़ को अंदर रखना है, किस चीज़ को बाहर भेजना है, ये सारा कुछ जो है न्यूक्लियस के कंट्रोल में ही होता है। द इंटायर कंट्रोल ऑफ ए लिविंग सेल, द इंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। तो किसी भी सेल के पूरे कंटेंट को अगर एक वर्ड दिया जाए तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स द साइटोप्लास्ट एंड द न्यूक्लियस। तो साइटोप्लास्ट और न्यूक्लियस को मिला करके अगर कहना हो तो हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। फिर प्रोटोप्लास्ट किससे बनता है? साइटोप्लास्ट और न्यूक्लियस को मिला के प्रोटोप्लास्ट बनता है। प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लास्ट को ही लिविंग सब्सटेंस कहेंगे, क्योंकि साइटोप्लास्ट और न्यूक्लियस इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है। अब पहेली क्या कहती है? पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस इज द सेम इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बैक्टीरिया। तो पहेली ये जानना चाहती है कि जो न्यूक्लियस, जिसको कि हमने अभी डिस्क्राइब किया, वो प्लांट्स और एनिमल्स और बैक्टीरिया, क्या सब में सेम होता है या अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इसका क्या आंसर है? द न्यूक्लियस ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज लाइक द सेल्स ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये देखा ना कि जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे में क्या है, काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। तो हमारी सेल्स जो है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। हमारी जो सेल है उसके अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। लेकिन बैक्टीरियल सेल में क्या होता है? बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल होती है और साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस नहीं होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिकली क्रोमोसोम्स, वो तो होते हैं लेकिन वो किसी कंपार्टमेंट में नहीं होते। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, उनके जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द बैक्टीरिया।
The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic cells. So this is very important term. You must remember what are prokaryotic cells. The cells which do not have a nuclear membrane. ठीक है, तो उनका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, इसी वजह से उनका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स. द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स. तो वो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और उन सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स कहते हैं और उस तरह की सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. प्रो मीन्स प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. फाइन, एग्जाम्पल्स आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड दिस एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स के क्या एग्जाम्पल हैं? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, ये हैं हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स. द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स. तो जो अनियन पील है और जो हमारी चीक की सेल्स देखें, ये सब क्या है? ये सब है हमारी यूकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस है ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो इसी वजह से इनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. ऑल ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स. यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सारे सेल्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं, इसी वजह से उनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, यू मतलब ट्रू और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस उनके पास होता है, इसी वजह से हम उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं. व्हाइल ऑब्जर्विंग द अनियन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप डिड यू नोटिस एनी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म? इट इज कॉल्ड वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन द अनियन सेल्स. चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स. लार्ज वैक्यूल्स आर वेरी कॉमन इन प्लांट्स. वैक्यूल्स इन एनिमल्स आर मच स्मॉलर. तो आपने देखा होगा कि जब आप प्लांट की सेल्स देखते हैं तो उसमें क्या है, आपको एक होलो स्पेस दिखता है, उसको हम कहते हैं वैक्यूल. ये केवल प्लांट्स में ही दिखता है ज़्यादा बड़ा वैक्यूल, एनिमल्स में भी होता है लेकिन वो काफ़ी छोटा होता है. ठीक है, तो वैक्यूल्स का काम होता है बेसिकली प्लांट्स में बॉयंसी, मतलब जैसे एक वेट अपलिफ्टमेंट का काम करते हैं. ठीक है, और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल भी इन वैक्यूल्स में होते हैं, तो इनका जो फंक्शन है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे बेसिकली. ठीक है, यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ ट्रांसडेंशिया. दीज आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ ऑफ सेल्स. दीज आर कॉल्ड प्लास्टिक्स. तो बहुत सारे जब आप साइटोप्लाज्म देखेंगे तो उसमें बहुत छोटे 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 डॉट्स जैसे दिखेंगे, वो क्या होते हैं? वो है प्लास्टिड्स. ठीक है, तो प्लास्टिड्स जो है डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में. ठीक है, सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड द क्लोरोफिल. तो प्लास्टिड्स जो है बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ ब्लू होते हैं. तो जो प्लांट्स हैं बेसिकली जो ट्रीज हैं उसके अंदर जो प्लास्टिड्स होते हैं वो किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं. क्यों? क्योंकि उन प्लास्टिड्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से हम उन प्लास्टिड्स को जो है वो ग्रीन, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट वाले प्लास्टिड्स को हम ग्रीन कलर का देखते हैं. ठीक है, और हम उसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट क्योंकि उनमें ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं. तो क्लोरोप्लास्ट इज वन काइंड ऑफ प्लास्टिड्स. दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स. यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इज द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं हम, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करने के लिए प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसी की मदद से प्लांट्स जो है वो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं. सो होप करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई. थैंक यू.